मैं राव साहब के गांव में पोस्टेड था और अप्रोक्सीमेट 5.5 साल का, और तो वहां पर राव साहब छुट्टी गई। राव साहब को मैं नहीं जानता, राव साहब मेरे को नहीं पहचानता, ना राव साहब के बच्चे मेरे को पहचानते, ना मैं उनको पहचानता। लेकिन यो मैं मार्केट में गया था किस लिए? मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए, क्यों? उस टाइम पे इंटरनेट का जमाना कम था, तो मोबाइल स्टोर जो होता है वहां पे रिचार्ज कराना होता था। तो मैं रास्ते में जा रहा था और राव साहब और राव साहब के बच्चे सामने से आ रहे, तो राव साहब ने हाथ में केले पकड़े हुए, केले थैले में, ऐसे हाथ में पोलोथीन बैग तो पोलोथीन बैग है, पोलोथीन बैग हर दुकान, पोलोथीन बैग कोई भी दुकानदार स्ट्रांग नहीं रखता है। वो कौन सा रखता है कि 25 रुपए में 500 आए उसको रखेगा, यानी लोकल क्वालिटी। तो वो लोकल क्वालिटी राव साहब का कार्य, वो रास्ते में गिर गए। राव साहब आगे बोला छोड़, आ गई मार, वो नहीं बोला। तो फैमिली ने अकेले खाना शुरू किया, तो राव साहब ने मुड़का देखा, बोला नहीं ये नहीं उठाना, जमीन में पड़ी हुई चीज को कभी नहीं उठाना गलती से, चल साथ में। फैमिली बच्चे, अरे कौन से बोल रहा है ना, अरे आपकी फैमिली मेरी थोड़ी है, आपको बोल रहा है ना, लेकिन सर फैमिली सुनो, पालपुर में है ना, उधर मैं बताता हूँ, जो आप बाद में बताना, पहले मेरी सुनना। अरे नारियल को छोड़ा, मैं सुना रहा हूँ उसको, सुन देखते है। अच्छा, लास्ट में जाकर के फैमिली ने वो केले छोड़ दिए राव साहब के कहने से, नहीं उठाए। आगे जाके केले के छिलके से राव साहब फिसल जाते हैं, आगे चल के राव साहब ही फिसल जाते हैं। अब साहब बोलते हैं अरे उठाना, बोले नीचे पड़े हुए आइटम।